इतने सालों से राइड करते हुए कभी नहीं सोचा था कि अपने किसी सब्सक्राइबर के घर पर रुकना पड़ेगा मुझे। उत्तराखंड राइड पर लाखामंडल पहुंचने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई और फिर मेरा इनबॉक्स इन भाई साहब के मैसेजेस से भर गया। इन्होंने बोला कि आप प्लीज देहरादून आना तो मेरे पास रुकना। मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया था। इन भाई साहब की दो चार ही फोटो डली हुई थी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे और इस वाले फोटो में तो कत्ता ही गब्बर सिंह लग रहे थे। ये क्या समझ कर आए थे? पहले मैं झिझक रहा था, फिर सोचा कि चलो यार एक बार ट्राई करते हैं। मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं मसूरी। खचाखच लगे जाम को पुलिस वाले क्लियर करवा रहे थे। मैंने भाई साहब को कॉल किया कि मैं एक घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा, और तभी मुझे याद आता है कि इनका एक छोटा बेटा भी है। फिर देहरादून पहुंचकर मैंने उसके लिए चॉकलेट खरीद लिया। मिली अनुज भाई से जो मुझे मेरे केदारनाथ टू लद्दाख वाली राइड से फॉलो कर रहे हैं, और ये है इनका आसियाना। अब देहरादून को एक दो दिन इनके साथ ही एक्सप्लोर करने वाला था मैं।